सिंगरौली से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर आई है। एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके दूर के रिश्तेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए दरिंदगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली जिले में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। एक बुजुर्ग महिला के साथ दूर के रिश्तेदारों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने जब अपने साथ हुई जाति की शिकायत जैन पुलिस चौकी में की तो पुलिस के भी होश हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि 5 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जयंत रेलवे लाइन के नजदीक 65 वर्षीय महिला घर के लिए जा रही थी, उसी दौरान 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जैन चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी ने घेराबंदी करके 2 नाबालिग लड़कों सहित 5 लोगों को पकड़ा है। एडिशनल SP अनिल सोलकर ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। एक बैगा जाति की आदिवासी महिला है, अपनी बहन के साथ दातून जो है वो इसने आई थी और दातून बेच करके जब वो वापस जा रही थी तो उसने हौली में शराब पिया और शराब पी करके जब अपने घर वापस जा रही थी उस समय लाइन के पास बैठ के वो बीड़ी पी रही थी। बैगा कुछ लोग वहाँ पे आए और उसके साथ हाथापाई की और महिला के साथ जो है शारीरिक संबंध दुष्कर्म किए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।